हेलो एवरीवन, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम एक ऐसी टीम को लेकर आए हैं जिसके मैच देखने में मजा तो पूरा आता है, लेकिन इस टीम ने भी अब तक ट्रॉफी का स्वाद नहीं चखा है। एक बार ये टीम जॉर्ज पेली की कप्तानी में फाइनल तक जरूर पहुंची थी, लेकिन उसके अलावा ये कभी भी प्लेऑफ्स में जगह बनाने में भी ज्यादातर नाकामयाब ही रहती है। और प्रीति जिंटा जो कि हर मैच में आती हैं, अपनी टीम का उत्साह बढ़ाती हैं, लेकिन फिर दुखी होकर बेचारी चली जाती है। उन्हें दुखी देखकर हमें भी काफी दुख होता है। हम भी चाहते हैं कि प्रीति जिंटा की टीम अच्छा करे। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं पंजाब किंग्स की। पहले मैं बोलने वाला था किंग्स इलेवन पंजाब, फिर याद आया कि ये तो अब हो चुकी है पंजाब किंग्स। लेकिन पंजाब किंग्स होने से भी इनकी किस्मत नहीं बदली। इनकी किस्मत भी तब बदलेगी जब ये मैनेजमेंट एक तरीके से सोचना स्टार्ट करे। हर साल तो ये इतने खिलाड़ियों को निकाल देते हैं, इस बार 2022 आईपीएल के बाद भी इन्होंने ऐसा ही किया। पहले इन्होंने मयंक अग्रवाल पर इतना भरोसा दिखाया था, उन्हें रिटेन किया था, और एक खराब सीजन के बाद उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं कि 2022 आईपीएल के बाद इन्होंने किस प्लेयर को बाहर का रास्ता दिखाया और अपनी टीम से बाहर किया। तो पहला नाम इसमें आते हैं मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल जो कि 12 करोड़ में रिटेन किए गए थे, ये सीजन उनका अच्छा नहीं गया। इनको निकालने का मुख्य कारण ये हो सकता है कि जोनी बेरेस्टो जो कि ओपनिंग में शानदार प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें ये ओपन करवाना चाह रहे थे। लेकिन अगर शिखर धवन के साथ वो ओपन करते तो मयंक अग्रवाल को नीचे आना पड़ता, और नीचे उनका प्रदर्शन उतना अच्छा रहा नहीं, जिस कारणवश इन्होंने सोचा कि जब ओपनिंग बेरेस्टो से ही करवानी है तो मयंक अग्रवाल को बाहर कर देते हैं। लेकिन जोनी बेरेस्टो अब चोटिल हो चुके हैं और इस आईपीएल से बाहर हो चुके हैं, और टीम ने अब तक जोनी बेरेस्टो की कोई रिप्लेसमेंट भी घोषित नहीं की है। उसके बाद अगला नाम आता है युवा ईशान पोरेल का। ईशान पोरेल जो डोमेस्टिक में तो हर साल अच्छा करते हैं, लेकिन लीग में आकर पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है, इतने उन्हें चांसेस भी नहीं मिले। उसके बाद नाम आता है एक और एक्सपेंसिव बाय ओडन स्मिथ, जिनको उन्होंने 6 करोड़ में खरीदा था। ओडन स्मिथ वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी ये कुछ इस प्रकार के हैं कि ये एक बार काफी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन एक परफॉर्मेंस के बेसिस पर इनको आईपीएल में खरीद लिया जाता है, फिर ये इंप्रेस करने में नाकाम होते हैं और फिर टीम इन्हें छोड़ देती है। ऐसा ही एक उदाहरण है ओडन स्मिथ, जिन्होंने भारत के खिलाफ बेहतरीन छक्के लगाए थे, लेकिन आईपीएल में अपनी काबिलियत को साबित करने में नाकाम रहे और टीम ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। उससे अगला नाम आता है संदीप शर्मा। संदीप शर्मा जो कि स्टार्टिंग में अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद बैट में उनकी गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं रहती, जिस कारणवश पंजाब किंग्स ने संदीप शर्मा को भी बाहर का रास्ता दिखाया। उसके बाद अगला नाम है प्रेरक मनकड़ का। प्रेरक मनकड़ को उतने मौके नहीं मिले, जिस कारणवश उन्हें बाहर किया गया। उससे अगला नाम है वैभव अरोड़ा का। वैभव अरोड़ा को आईपीएल में एंड होते होते कुछ मौके दिए गए थे और उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की थी, गेंद को दोनों तरफ स्विंग करने की काबिलियत रखते हैं वो, तो उनकी परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए ये काफी सरप्राइजिंग लगा कि वैभव अरोड़ा को भी टीम ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उसके बाद अगला नाम ऋतिक चटर्जी, अंश पटेल और बैनी हावल, ये तीनों के तीनों ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें ज्यादा मौके नहीं दिए, और प्रैक्टिस सेशंस वगैरह में भी इन्होंने टीम मैनेजमेंट को कुछ ज्यादा प्रभावित नहीं किया होगा, जिस कारणवश इन्हें टीम ने बाहर का रास्ता दिखाया। अब बात आती है ऑक्शन में। ऑक्शन में ये पहले से ही सोचकर आए थे कि हमें सैम करण चाहिए, क्योंकि ऑक्शन के बाद इंटरव्यू में पंजाब किंग्स के मालिक ने कहा था कि सैम करण को छोड़ना उनकी सबसे बड़ी गलती थी और वो अपनी इस गलती को सुधारना चाहते थे किसी भी कीमत पर। तो वो अपना हाईएस्ट बैंक राशि लेकर आए थे आईपीएल ऑक्शन में और अपना पूरा बैंक लुटाने के लिए तैयार थे, और आईपीएल में रिकॉर्ड ऑक्शन कर सैम करण को अपने टीम का हिस्सा बनाया। सैम करण जिनको कि 18.5 करोड़ मिले हैं और लगातार आईपीएल में शानदार प्रदर्शन कर रही हैं, और इस बार जोनी बेरेस्टो की गैर उपस्थिति में इन पर काफी जिम्मा होगा, अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करें, अपने पैसे को जस्टिफाई करें और प्रीति जिंटा के चेहरे पर एक स्माइल ला सके। उसके बाद अगला नाम आता है सिकंदर राजा। सिकंदर राजा एक ऐसा नाम जो कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जिम्बाब्वे के लिए लगातार वन मैन आर्मी की तरह खेल रहे हैं, लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, इसी प्रदर्शन का तोहफा पंजाब किंग्स ने उन्हें दिया है। 50 लाख में उन्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाया है, और हो सकता है कि जोनी बेरेस्टो की गैर मौजूदगी में उन्हें टीम का हिस्सा भी मिल जाए, क्योंकि लेफ्टी इतने ज्यादा हो गए हैं टीम में कि राइटी बैट्समैन की कमी पड़ सकती है, तो हम सिकंदर राजा को प्लेइंग 11 में भी खेलते हुए जरूर देख सकते हैं।
नरेम जैसी बॉलिंग भी करते हैं ये, उनसे एक्शन कॉपी किया है इन्होंने, उनसे काफी कुछ सीखा है और दोनों ही क्षेत्रों में काफी अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते हैं। उसके बाद अगला नाम आता है हरप्रीत का। हरप्रीत एक डोमेस्टिक टैलेंट है जिन्होंने पंजाब के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है। उससे अगला नाम शिवम सिंह, विद्वात कप्रेप्पा और मोहित राठी, ये ऐसे डोमेस्टिक टैलेंट है जिन्हें डोमेस्टिक परफॉर्मेंस का इनाम दिया गया है। उसके बाद हमने देखा कि क्या ऑक्शन में इन्होंने बाय किया। अब देखते हैं कि कैसे इनकी टीम स्टैकअप करती है, क्या इनके पास बैट्समैन है, बॉलर है और कौन कौन से ऑलराउंडर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बैट्समैनों की सूची से। बैट्समैनों में पहला नाम आता है शिखर धवन। शिखर धवन जिस बार इन्हें कप्तानी का जिम्मा भी सौंपा गया है पंजाब किंग्स द्वारा। शिखर धवन लगातार आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करते हैं लेकिन फिर भी इंटरनेशनल टीम में इनको बेचारे को कंसीडर नहीं किया जाता। हमें बड़ा दुख आता है शिखर धवन पर, आप अच्छा करते हैं फिर भी आपका इंटरनेशनल क्रिकेट में चयन नहीं होता, एक खराब परफॉर्मेंस से आपको निकाल दिया जाता है। शिखर धवन आप लगे रहिए, आपका ये हंसकुराता मुस्कुराता नेचर सबको मन भाता है और इसी तरीके से अपनी टीम को इस बार ट्रॉफी तक भी ले जाए, हम यही आशा करते हैं। उसके बाद अगला नाम आता है बैट्समैनों में अथर्वा तायडे। अथर्वा तायडे जिनको पिछले साल भी टीम का हिस्सा थे लेकिन उन्हें ज्यादा ऑप्शन नहीं दिए गए। उसके बाद अगला नाम आता है भानुका राजापक्षे। भानुका राजापक्षे लेफ्ट हैंडेड श्रीलंकन बैट्समैन जिन्होंने पिछली बार आईपीएल में अपनी परफॉर्मेंस से सबको चौंका दिया था और एक बार फिर से उन पे जिम्मेवारी होगी कि अपनी अच्छी फॉर्म को कंटिन्यू रखें और पूरे आईपीएल खेलें। उसके बाद अगला नाम हरप्रीत सिंह। हरप्रीत सिंह जिन्होंने इन्होंने डोमेस्टिक परफॉर्मेंस के बेसिस पर बाय किया है, एक अच्छी बैटिंग में भी मिडल ऑर्डर में भी विकल्प देते हैं हरप्रीत। उसके बाद नाम आता है शाहरुख खान का। शाहरुख खान इन्होंने भारी राशि में लगभग 9.5 करोड़ के आसपास राशि में इन्होंने खरीदा था और पिछला सीजन इनका बिल्कुल बढ़िया नहीं रहा और इस बार इनको अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जरूर होगी क्योंकि अगर ये अच्छा प्रदर्शन नहीं करते तो इस बात में कोई शक नहीं होगा कि पंजाब किंग्स इस आईपीएल के बाद इन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा दे, तो इनके लिए ये सीजन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद नाम आता है जितेश शर्मा। जितेश शर्मा जिन्होंने पिछले आईपीएल में अपनी परफॉर्मेंस से सबको प्रभावित किया और इस बार हम उन्हें विकेट कीपर के दस्ताने थामते हुए भी देखेंगे। और अगला नाम आता है प्रभ सिमरन सिंह का। प्रभ सिमरन सिंह जो कि आईपीएल में बड़ी परफॉर्मेंस देने में नाकाम रही हैं, कंसिस्टेंसी की उनके अंदर कमी है, तो क्या उन्हें बेरिस्टो की जगह ओपनिंग में चांस मिल सकता है, इस चीज को हम आगे देखेंगे। अब बात करते हैं बॉलर्स की। बॉलर्स में अर्शदीप सिंह जो कि फास्ट बॉलिंग में ओपनिंग में भी अच्छा करते हैं और डेथ में भी उनकी बॉलिंग काफी शानदार है, वो भी चाहेंगे कि अच्छा प्रदर्शन कर वर्ल्ड कप की टीम के लिए सिलेक्टर्स का ध्यान केंद्रित करूं अपनी तरफ। उसके बाद अगला नाम आता है बलतेज सिंह। बलतेज सिंह एक डोमेस्टिक टैलेंट जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है लगातार, उनको मौका मिलना लेकिन मुश्किल नजर आता है। उसके बाद नाम आता है हरप्रीत बरार का। हरप्रीत बरार एक ऐसे गेंदबाज जिन्होंने दो बारी दो दो गेंदों में एक बार विराट कोहली और एबी डिविलियर्स को चलता किया था तो एक बारी विराट कोहली और ग्लेन मैक्सवेल को चलता किया था और काफी अच्छी बैटिंग का भी ऑप्शन देते हैं डेथ में, लंबी हिट्स लगाने की काबिलियत अपने अंदर रखते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि हरप्रीत बरार भी एक ब्रेक थ्रू सीजन दें जिसमें वो शानदार प्रदर्शन करें और टीम इंडिया में भी अपनी जगह के लिए अपना सिलेक्शन की पर्ची डालें। उससे अगला नाम आता है कगिसो रबाडा। कगिसो रबाडा के कंधों पर एक भारी जिम्मेवारी होगी, टीम की फास्ट बॉलिंग की कमान संभालेंगे वो और अर्शदीप सिंह एक डेडली कॉम्बिनेशन बनते हैं जो कि स्टार्टिंग के ओवर्स में और डेथ में भी चार चार ओवर्स तो आप मान के चलिए कि पंजाब के बेहतरीन होने वाले हैं। उसके बाद नाम आता है नाथन एलिस का। नाथन एलिस ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग ऑलराउंडर जिनसे कि काफी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जाती है। और उससे अगला नाम है राहुल चहर का। राहुल चहर जो कि अपनी लेग स्पिन से काफी बल्लेबाजों को अपनी फिरकी में उलझा सकते हैं, उनसे उम्मीद करते हैं कि इस बार एक अच्छा सीजन दे क्योंकि युजवेंद्र चहल जो लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट में उतना अच्छा नहीं कर पा रहे तो उनकी जगह पर अपनी कैंडिडेंसी भी ये डाल सकते हैं वर्ल्ड कप की टीम के लिए। उससे अगला नाम आता है विद्वात कप्रेप्पा का। विद्वात कप्रेप्पा जिन्होंने तमिलनाडु प्रीमियर लीग में अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन उम्मीद कम जताई जा रही कि उन्हें चांसेस मिले। आप देखते हैं टीम की स्ट्रेंथ कहां पर है। टीम की स्ट्रेंथ है ऑलराउंडर्स में। ऑलराउंडर्स में पहला नाम आता है लियाम लिविंगस्टन का। लियाम लिविंगस्टन जो कि दोनों हाथों से गेंदबाजी करा सकते हैं, जो कि बल्लेबाजी में इतने लंबे लंबे छक्के लगाते हैं कि पंजाब में मोहाली का स्टेडियम छोटा ना पड़ जाए,
बस इसी बात का शक है कहीं इतनी गेंद गुम ना कर दें कि गेंदों में ही खर्चे की ऐसी की तैसी हो जाए। लियाम लिविंगस्टन का पिछला सीजन काफी बेहतरीन रहा था, लेकिन इस बार वो चोट से वापस आ रही है। वो भी चाहेंगे कि वर्ल्ड कप तक मैं तैयार हो जाऊं और एक शानदार प्रदर्शन देकर अच्छी फॉर्म में रहूं। उसके बाद नाम आता है मैथ्यू शॉर्ट का। मैथ्यू शॉर्ट को उनके बिग बैश लीग के प्रदर्शन के बाद टीम में सिलेक्शन किया गया है। उससे अगला नाम आता है मोहित राठी। मोहित राठी एक डोमेस्टिक टैलेंट है। अगला नाम आता है राज बावा का। राज बावा जिन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन पंजाब के लिए उन्हें अभी मौका मिलना बाकी है। देखते हैं कि उनका प्रदर्शन कैसा होगा। अगला नाम आता है ऋषि धवन। ऋषि धवन जो कि डोमेस्टिक में लगातार बेहतरीन से बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी डोमेस्टिक टीम हिमाचल को उन्होंने फाइनल तक पहुंचाया और ट्रॉफी भी नाम करवाई। उम्मीद होगी कि वो इस बार भी अच्छा प्रदर्शन करें। उससे अगला नाम आता है सैम करन। सैम करन जिन्होंने इनपे 18.5 करोड़ लुटा दिए हैं, वो भी चाहेंगे कि मैं अपने पैसे को जस्टिफाई करूं। उसके बाद अगला नाम आता है शिवम सिंह का और सिकंदर राजा। सिकंदर राजा को चांस मिल सकता है टीम में और वो भी चाहेंगे कि एक आईपीएल जैसी लीग में मैं अपना नाम का लोहा मनवाऊं और अपना सिक्का जमा करूं। उसके बाद अब देखते हैं कि टीम की फर्स्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। ओपनिंग में यहां पर काफी दुविधा नजर आ रही है, क्योंकि पहले जॉनी बेरिस्टो का ओपनिंग में आना तय था, लेकिन जॉनी बेरिस्टो को इंजर्ड होने के बाद टीम ने अब तक कोई रिप्लेसमेंट की घोषणा नहीं की है, जिसके कारणवश शिखर धवन के साथ यहां पर हम भानु का राजापक्षे को भी देख सकते हैं। लेकिन हम चौकेंगे नहीं अगर ये टीम सैम करन का ओपनिंग में इस्तेमाल करती है, क्योंकि पावर प्ले का बेहतरीन तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि टीम सैम करन को ओपनिंग में उतारे। अगर आप किसी खिलाड़ी को 18.5 करोड़ दे रहे हो तो आप भी चाहोगे कि उससे मैक्सिमम आउटपुट आप ले सको और सैम करन ओपनिंग में बेहतरीन कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर, क्योंकि दोनों ही ओपनर्स यहाँ पर लेफ्टी हो जाते हैं, अगर सैम करन आते हैं या भानु का राजापक्षे भी आते हैं, टीम यहाँ पर प्रभ सिमरन को भी ट्राई कर सकती है उनकी हालिया फॉर्म को देखते हुए, लेकिन वो मुश्किल नजर आता है। अगर प्रभ सिमरन को नहीं खिलाते तो नंबर 3 पर भानु का राजापक्षे का मुश्किल लगता है, क्योंकि भानु का राजापक्षे की जगह पर फिर ये सिकंदर राजा को भी ट्राई कर सकते हैं। नंबर 4 पर हमने रखा है लिविंगस्टन को। लिविंगस्टन से एक बेहतरीन सीजन की उम्मीद होगी। उससे अगला नाम आता है जितेश शर्मा, जो कि विकेट कीपर के दस्ताने संभालेंगे और एक अच्छे सीजन की उनसे कामना करते हैं। उससे अगला नाम है शाहरुख खान का। शाहरुख खान के लिए टीम को डेथ में एक अच्छी फिनिश प्रदान करने का जिम्मा होगा और शाहरुख खान इस बार अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे। उससे अगला नाम आता है हरप्रीत बरार का। हरप्रीत बरार जो बैटिंग में भी कुछ शानदार हिट्स लगा सकते हैं और बॉलिंग में भी अच्छी ऑफ स्पिन का ऑप्शन देते हैं। उससे अगले नंबर पर हमने रखा है ऋषि धवन को। ऋषि धवन जो कि थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं और बीच के कुछ ओवर्स में मिडल ओवर्स में गेंदबाजी भी कर दे सकते हैं टीम को। उससे अगला नाम आता है कगिसो रबाडा का। रबाडा जो कि फास्ट बॉलिंग की कमान संभालेंगे। उसके बाद उनके साथ हमने रखा है आशदीप सिंह को, जो कि दोनों बनाकर एक लिथल कॉम्बिनेशन बनाते हैं फास्ट बॉलिंग का। और लास्ट में हमने रखा है राहुल चाहर को। राहुल चार जो लेग स्पिन में हरप्रीत बरार का साथ निभा सकते हैं। तो ये होती है पंजाब की फर्स्ट प्लेइंग 11। आपको क्या लगता है कि ये टीम किस तरह से स्टैकअप हो रही है, क्या इनकी? मुझे तो लगता है कि इन्होंने एक बेहतरीन स्टार्टिंग 11 ये उतार सकते हैं। एक स्पॉट की यहां पर दिक्कत आती है, अगर ये जॉनी बेरिस्टो की जगह पर कोई अच्छा रिप्लेसमेंट लेकर आ सकते हैं तो वो डायरेक्टली हम प्लेइंग 11 में देख सकते हैं। उसके अलावा बाकी की प्लेइंग 11 की टीम काफी ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर कैप्टन से एक्सपीरियंस शिखर धवन को उतना नहीं है, तो वो कैसी कप्तानी करते हैं इस चीज पर भी काफी निर्भर होगा। टीम को काफी अच्छा प्रदर्शन करना होगा टॉप 4 में फिनिश करने के लिए, लेकिन मैं इन्हें देख रहा हूं 5, 6 या 7वें नंबर की पोजीशन पर, क्योंकि लगातार इनकी टीम तो काफी अच्छी होती है लेकिन इस तरीके का प्रदर्शन ये कर नहीं पाते, जिसके कारणवश ये उतनी बार क्वालिफाई भी नहीं हुए हैं। इस बार भी इनकी क्वालिफिकेशन मुझे तो संदेह में नजर आ रही है। आपको क्या लगता है कि ये टीम कहां पर फिनिश कर सकती है, हमें कमेंट्स में बताइएगा, और आपके अनुसार इनकी बेस्ट प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। आपको मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले टीम के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, नमस्कार।